नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों, तो तैयार है आप सब एक मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर के लिए। दोस्तों पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा सिंधी चटपटा नाश्ता, और इस एपिसोड में आप देखेंगे पूरे का पूरा सिंधी लंच। तो देर नहीं करते, अंदर चलते हैं, गौरव के साथ बैठते हैं और खाते हैं सिंधी खाना। आइए। भैया मैंने इतनी सारी डिशेज के नाम पढ़ रहा हूँ, अभी ये स्नैक्स तो बड़े खाली है, चटपटे खाना हो जाए यार। एब्सोल्युटली सर, अभी आपके लिए थोड़ा मेन कोर्स ले आ जाए। चलिए तो दोस्तों, बढ़िया से स्टार्टर्स के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद आ गया है लंच हमारे सामने, प्योर सिंधी फ्रॉम सो सिंधी। तो गौरव कहाँ से शुरू करूँ बताओ? सर दिस इज सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी, ओके। स्टार्ट विद व्हाट? यू शुड स्टार्ट विद द सिंधी कढ़ी। सिंधी कढ़ी विद प्लेन राइस, ओके, एंड सम टूक। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टूक। अच्छा, एक आलू का है, अच्छा, और एक लोटस स्टेम का है, जिसे हम भी कहते हैं पंजाबी भै कहते हैं। चलो पहले ले लेते हैं राइस प्लीज। दिस इज सिंपल जीरा राइस, प्लेन राइस, प्लेन राइस, प्लेन स्टीम राइस, ओके। उसके अपने थोड़ा धनिया डाल दिया जी, टू मेक इट कलरफुल जी, ओके। फिर थोड़े थोड़े लेते ये, और सिंधी कढ़ी इसके ऊपर जी। और इस कढ़ी में सर तीन टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स जाते हैं। अच्छा, सो वी हैव पोटैटोज, वी गॉट ड्रमस्टिक्स, और थोड़ी सी भिंडी भी रहती है, ओके। और एक खट्टी खट्टी रहती है ना, मस्त, तो हल्की खट्टी रहती है, यस, इसमें खटास रहती है। ये मेरी मम्मी की फेवरेट डिश है जी, कोकम का फूल यूज करते हैं। ये दिखने में आपको रसम या सांबर जैसी लगेगी, ओके, बट ये बेसन और टमाटर के बेस से बनती है, तो इट्स व्हेन यू ईट इट वो कंप्लीटली डिफरेंट फील। खटास के लिए क्या पड़ता है इसमें? कोकम का फूल। कोकम का फूल, अच्छा अच्छा, हाथ से हो बिल्कुल, है ना, चावल का मतलब हाथ से यार जी, और भी आलू तोड़ के। हाँ, आलू तोड़ के ऐसे ये जी, और साथ में ये चावल और सिंधी कढ़ी। आहा वो एग्जैक्टली लाइक माय मॉम, हाउ शी मेक्स इट एट होम, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। सेम टेस्ट, कमाल है वो, तो उनको पता चल गया ना यहाँ सिंधी कढ़ी मिलती है। तो मैं वहीं जाती हूँ खाने। प्लीज आप उनको यहाँ जरूर लाइए। तो मम्मी आपके लिए सिंधी कढ़ी चावल, और आप सबके लिए भी। वाह मतलब यार, इतनी सारी चीज़ें लगा दी मेरे सामने, पहली डिश ऐसी है कि मन कर रहा है कि पूरी खत्म कर दूँ। पूरी खत्म कर दूंगा तो इन बिचारों को हो जाएगा सर, हो जाएगा। हाँ आज हो जाएगा, किसी ना किसी तरीके से फिनिश हो जाएगा। ड्रमस्टिक कैसे खाते हैं ऐसे? वाओ क्या बात है। इसमें और भी सब्जियां पड़ती है सर, कुछ लोग गवार भी डालते हैं, कुछ लोग बैंगन भी डालते हैं, जो पसंद हो वो सब्जी डाल सकते हैं जी। इसके अंदर कोई भी सब्जी डाली जा सकती है। सो ये डिश एक्चुअली इट्स वेरी इजी टू मेक इट जैन, बिकॉज हम सिर्फ उसमें से आलू निकाल देते हैं, जैन बन गई जी, प्याज तो पड़ता ही नहीं इसमें जी। और इवन दाल पकवान जो जो आपने खाया, इट्स जैन, इट्स एक्चुअली वीगन, बिकॉज देयर आर नो मिल्क प्रोडक्ट्स, देयर इज नथिंग इन देयर। हेल्दी फूड भी है यार जी। अब कहाँ पे जाऊँ? सर अब आइए आप, भूगा चावल। भूगा चावल, भूगा चावल क्यों? भूगा इसके लिए कहते हैं क्योंकि वो भुना हुआ रहता है। अच्छा। पहले हम प्याज को भूनते हैं, उसे कैरमलाइज करते हैं। अच्छा। उसके साथ राइस को कुक करते हैं, तो कलर भी पिकअप करता है। ओके। बहुत सारे लोग तो ये राइस ऐसे ही कभी दही के साथ भी खा लेते हैं, क्योंकि इसका खुद का भी एक फ्लेवर रहता है। अच्छा। बट मेरा पर्सनल फेवरेट कॉम्बिनेशन इज ईदर विद द साई भाजी, अच्छा, विच इज मेड आउट ऑफ पालक, चना दाल, okay. उसके ऊपर हम लहसुन का तड़का लगाते हैं। तो पहले ऐसे खा के देखो ये चावल, पहले थोड़ा सा ऐसे ही खा के देखिए। ओके okay. भूगा चावल, भूगा की भूगा, भूगा भूगा चावल, भूगा चावल, ओके, भूगा चावल। हाँ यार, इसके साथ किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी चीज में सिर्फ दही डाल दिया है, कुछ डाल दिया, बट ये इन डिशेज के साथ कॉम्प्लीमेंट बड़ा अच्छा करता है। कोई ग्रेवी वाली डिश हो, सिंधी कढ़ी के साथ इतना अच्छा नहीं आता, लोग खाते हैं, बट आई प्रेफर सिंधी कढ़ी विद प्लेन राइस, क्योंकि सिंधी कढ़ी खुद ही बहुत डोमिनेंट फ्लेवर है, बहुत ही डोमिनेंट है, उसका फ्लेवर फिर इसके साथ मिक्स होके थोड़ा यार सबसाइड हो जाता है। नाउ इट इज योर साई भाजी। यस सर प्लीज। चने की दाल और चने की दाल, पालक, दिल, और ये ऊपर पड़ा हुआ है मस्त लहसुन का तड़का। हा 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 हा, क्या बात है, खराब करने का मन नहीं कर रहा तड़के, इतना सुंदर लग रहा था। Okay. ये एक्चुअली बहुत ही हेल्दी डिश होती है। hey, बिल्कुल। एंड अगर आप सिंधी क्विजीन को जनरली भी देखेंगे, ये मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज किया है व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्लेस, कि दे हैव गॉट अ वेरी नाइस बैलेंस ऑफ से कार्ब्स, प्रोटीन, स्टार्च, हर चीज को हर क्विजीन में, आई डोंट नो हाउ साइंटिफिकली, बट वो बहुत अच्छे से बैलेंस किया जाता है। क्या बात है, सही भाजी, कमाल की भाजी, पालक बहुत ही फ्रेश है, और तड़के का इतना वो गार्लिक का जो डोमिनेंट फ्लेवर आ रहा है ना मुंह के अंदर, देसी घी यूज किया तड़के में आपने? हल्का सा सर,
बहुत अच्छा फ्लेवर ला रहा है वो देसी घी। सर तड़का तो हम तेल में भी लगा सकते हैं, बट घी के तड़के की बात ही कुछ और है। बिल्कुल, वो दाल क्या जिस पे तड़का ना लगे। एग्जैक्टली, वो लाइफ क्या जिसके ऊपर खाने का तड़का ना लगे। एब्सोल्युटली, है कि नहीं? दाल विदाउट तड़का एंड लाइफ विदाउट फूड, नो फन। वाओ, कमाल की साहिबा जी। सर थोड़ा सा आलू टूक और घी टूक भी टेस्ट कीजिए इसके साथ। इसके साथ जी। ओके, ये आलू, ये कॉन्डिमेंट जी उसके साथ बड़ा अच्छे से आता है। दिस इज फ्राइड आलू विद सम मसाला डाला हुआ है। जी, इसके ऊपर मसाला डालते हैं हम। वो दो तीन मसालों का एक मिक्स होता है टिपिकली जो टूक पे डाला जाता है। ओके, आओ ऐसे ही खा के देखता हूं जी। जो आलू है बॉइल्ड है इसके अंदर? नहीं सर, ये हम फ्राई करते हैं, फिर इसे प्रेस करते हैं और फिर रीफ्राई करते हैं। सो बाहर से क्रिस्पी रहता है और अंदर से थोड़ा सॉफ्ट रहता है। वो फील होता है कि बॉइल्ड हुआ है, बट यस नॉट बॉइल्ड। ओके, ये मसाला ऊपर का कमाल का है जी। वो अभी इसको आलू टुक को इसके साथ खाता हूं ना, साई भाजी सिंधी कड़ी किसी के भी साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, मजा आ गया। एनहांस होगी चीज तो। गौरव, आपकी एडवाइस पे साई भाजी, भुगा चावल और आलू टुक जी, हो गया मजा टुक टुक। छोटे से प्यारे से भोले से आलू ने चार चार लगा दी है, क्या बात है। वाओ, तो ये दूसरा क्या था? तो गौरव अभी ये ट्राई करते हैं, लोटस स्टेम भें भें, इसको क्या बोलते हैं? भें टुक, भी टुक, भी टुक, सिंधी में भी टुक। जी, थोड़ा फाइबरस टेक्सचर होता अच्छा, है। लेट मी सी ये। आहा, ओके, ये यस 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 यस, it is fibrous, yes। oh, but इसका खुद का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। ग्रेट मैन, सुपर। बाहर से इतना क्रिस्पी है और अगेन वही मसाला पड़ा हुआ है, सेम दो तीन मसाले ऊपर डाले हुए हैं। सर इसमें जो कचालू होते हैं, कचालू का भी टूक बनता है। अच्छा। जो हमने अब तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, इट्स गोइंग टू बी एडेड सून। सो आलू हो गया, भी हो गई, कचालू हो गई, वी लव टू ईट समथिंग। अभी सिर्फ टुक टुक है, फिर टुक 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 हो जाएगा जी। बट जो भी टुक टुक है बड़े मस्त है, और ये सिंपल से दाल चावल, कढ़ी चावल या भाजी के साथ इनको खाओ जी, मजा आ गया। टेस्ट एनहांस हो जाता है, वो क्रिस्पी टच हो जाता है दाल चावल को। ग्रेट, वाह वाह वाह। अब क्या खाऊं सर? अब बिफोर वी मूव टू द मटन, ओके, आप पहले चिकन कीमा पैटिस ट्राई कीजिए। ओके, दिस इज चिकन कीमा पैटिस जी। तो आप देख सकते हैं अंदर कीमा की फिलिंग है। और ये अच्छा, ये अंदर कीमा की फिलिंग है जी। ये ओके, एंड ये थोड़ा ड्राई कीमा है इसके ताकि वो बाहर, सो दैट वो, हां वो अंदर अच्छे से रह सके। और ये आलू है जी। ओके नाइस, और साथ में आपने अलग से कीमा दिया है जो उसके ऊपर डाला जाता है, और प्याज, प्याज दिया लेना ही पड़ेगा थोड़ा जी। अच्छा, मैं कीमा को इसके ऊपर डालूं जी? आप मुझे हेल्प कीजिए। सॉरी, ये कीमा डालिए। ये डाला कीमा हमने, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड किया थोड़ा। बस बस बस, ओके। और ये पाव भी इसके साथ खाने के लिए दिया हुआ है आपने। ओके, तो ये अपने आप में एक पूरी मील हो गई है। तो जी एब्सोल्युटली, है ना, कीमा पैटीज और साथ में पाव। अभी मेरे लिए मैंने इनको बोला था कि हर जो पोर्शन है ना उसको थोड़ा कम कम कर दीजिए, अदरवाइज आई थिंक टू पीसेज ऑफ दिस एंड दो पाव, करेक्ट, और साथ में कीमा, दैट इज अ फुल मील। खत्म, मजा, मतलब मामला सेट हो जाएगा एकदम। अभी ये पैटीज खाएंगे। क्या बात है, पाव की जरूरत ही नहीं ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, सर, पाव हम इसके लिए रखते हैं कि बहुत सारे लोग, एटलीस्ट सिंधी लोग प्रेफर करते हैं कुछ। अच्छा, ब्रेड या पाव या रोटी किसी चीज के साथ खाया जाए। सो इट्स जस्ट अ साइड डिश। मजेदार है। तो इसमें आपके दो वैरायटी हैं, चिकन कीमा की भी और मटन कीमा। सेम चीज मटन में भी बनाते हैं। सिंस मैं आपको ऑलरेडी मटन खिला रहा था, मतलब थोड़ा चिकन भी टेस्ट करा देता हूं। मस्त है, छोटी छोटी वो इलायची के दाने आ रहे हैं मुंह के अंदर, थोड़ा गर्म मसाले का फ्लेवर है, और कीमा बहुत ही फ्रेश है, और ऐसा मुझे अच्छा लगता है ना, कीमे की पेस्ट नहीं है जी, थोड़ा चंकी, थोड़ा चंकी होना चाहिए, बाइट होता है उसमें थोड़ा। बढ़िया, वाओ, आपको कैसे पता मुझे कीमा इतना पसंद है? इंट्यूशन। एक फूडी ने दूसरे फूडी को पहचान लिया। सर अभी आपको हम हमारी स्टार डिश खिलाते हैं। अच्छा, ये है सिंधी मटन, जिसको आप मासी मटन बोलते हैं। मासी मटन बोलते हैं, और मेरी मासी जैसा मटन तो बहुत मुश्किल है बनाना, बट मैं कोशिश पूरी करता हूँ, रेसिपी उन्हीं की है। और हम जो मटन की ग्रेवी यूज करते हैं उसमें भी कीमा रहता है। ओके, कई कई जगह पर इस डिश को राणा मटन भी कहा जाता है। करेक्ट, सिमिलैरिटी वही है कल्चरली।
तो आपने कहा भूगा राइस के साथ खाओ, भूगा राइस के साथ पाव के साथ खा सकते हैं, बट भूगा राइस मेरा पर्सनल फेवरेट है इन चीजों के लिए। चलो साथ में थोड़े जीरा राइस भी ले लेना प्लीज, है ना, सब कुछ खा के देखना चाहिए हर चीज का फ्लेवर किसके साथ अच्छा आ रहा है। और आपने पाव कहा तो मैं पाव भी नहीं छोड़ूंगा जी। तो फर्स्ट आई विल टेस्ट ये मासी का मटन विद पाव। फ्रेंड्स तो कीमा है इसके अंदर ऑलरेडी ग्रेवी के अंदर, तो ग्रेवी में वैसे ही टेक्सचर आ गया है कीमे का। ढाबे पे पहुंच गया नॉर्थ इंडिया के किसी बढ़िया से ढाबे का मटन खा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुंबई शहर में ही बैठकर जी। हाँ तो कहाँ थे यार अच्छा किया डेंटिस्ट की काम छोड़ दिया और खाना बनाना शुरू कर दिया और हम जैसा वो खिलाना शुरू कर दिया। ओहो डेफिनेटली अगर मुंबई शहर में शहर के बीचों बीच ऐसा खाना मिल जाए और क्या चाहिए किसी को। थैंक यू। तो दोस्तों हाईली रिकमेंडेड प्लेस सो सिंधी, इसका लिंक और एड्रेस मैं सब आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कहीं पर भी हो यहाँ पर आकर खाना ज़रूर खाइए, चाहे आप वेजिटेरियन हो चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, खाना कमाल का है। कमाल मीन्स एक्चुअल कमाल का है। ग्रेट गौरव, ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स, खोलते रहो। अभी इन्होंने मुझे कहा है कुछ खोलने वाले हैं जल्दी, वो भी हम सस्पेंस खोलेंगे कुछ दिनों बाद, अभी नहीं बताते, दिनों बाद है ना। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मटन टू गुड। अब इस मटन को खाता हूँ मैं भूगा राइस के साथ। वाओ, विद बोन मटन है, कीमा फ्रेश मटन, मटन की क्वालिटी अच्छी होना तो मटन की डिश अपने आप मस्त बन जाती है। सर मटन की क्वालिटी एंड द कट आल्सो, देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ, अगर आप किसी जगह पे मटन लेने जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि सिंधी मटन चाहिए, तो वो जो कट देते हैं वो थोड़ा डिफरेंट रहता है, लिमिटेड जगहों पर मिलता है, बट दे नो एग्जैक्टली हाउ इट हैज टू बी गिवन। सुपर, ये भूगा राइस के साथ ना बिरयानी की फील आ रही है। हाँ जी, है ना, हाँ जी, बिकॉज राइस में भी फ्लेवर है और ये मटन के साथ मिक्स कर दो ऐसा लगता है कि मैं मटन बिरयानी खा रहा हूँ। ग्रेट, द मटन हैज टू बी एब्सोल्युटली टेंडर, फॉलिंग ऑफ द बोन शुड बी ब्रोकन विद वन हैंड। वो ये देखो जी गौरव, तेरे मुंह में पानी नहीं आ रहा मेरे को देख के अभी थोड़ा 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 आना चाहिए, आपके मुंह में आ रहा है ना लंच टाइम में थोड़ा तो। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मेरा पेट यहाँ तक भर गया है लेकिन गौरव का सिंधी प्यार खत्म ही नहीं हो रहा, इतना कुछ खिला दिया। कहता है सर आप मेरे यहाँ के डेजर्ट्स खाए बिना जाएंगे नहीं, तो मैंने कहा यार गुलाब जामुन तो हर जगह मिलता है, लेकिन इसने कहा कि यहाँ का गुलाब जामुन कुछ अलग है। अब ये गुलाब जामुन अलग कैसा है ये मैं खा के पता करता हूँ। ये इसने झूठ बोला है कि सिर्फ मुझे खिलाने के लिए बोला है। वेरी प्लेन, वेरी प्लेन, सिर्फ प्लेन मावा। हाँ, एंड द शेप आल्सो, वी गॉट द लॉन्ग शेप, कमाल है। नो दैट इलायची के दाने वगैरह कुछ नहीं, नथिंग। ये अगेन सिंधी स्टाइल है जी। अच्छा अच्छा, तो गुलाब जामुन भी सिंधी स्टाइल, क्या बात है। शेयर करना बाद में मेरे साथ। डन डन ना, ये क्या चीज़ है, बड़ी अलग लग रही है मेरे को। सर ये बहुत ही ऑथेंटिक सिंधी डिश है, इसे हम सिंगर की मिठाई कहते हैं। सिंगर की मिठाई, सिंगर, सिंगर मींस सेव, इसे कॉमनली यहाँ पे सेव बर्फी भी कहा जाता है। वो सेव तो नमकीन होती है ना जी, बट ये उसको डिप करके चाशनी में जिस तरीके से बनाई जाती है, आप इसको टेस्ट करके देखिए, बहुत ही यूनिक डिश है। और ये ऊपर नट्स डाले हुए जी। वाह, सेव बर्फी, सिंगर की मिठाई, पहली बार खा रहा हूँ। इसमें अभी भी हल्का हल्का वो सेव का क्रंच है, हल्का सा आया जी, स्वीटनेस परफेक्ट है, बहुत ही अलग चीज़ है ये। चाशनी में डुबोई की सेव, तभी का कलर पीला है जो सेव का कलर होता है। अरे वाह, कमाल हो गया। तो मैं इसको मना कर रहा था डेजर्ट के लिए, लेकिन इसने कहा खाकर ही जाइए, आपको कुछ अलग मिलेगा खाने को, और अलग मिल गया। थैंक यू, क्या बात है। ये तो खाता ही जाऊँगा। तो दोस्तों मज़ा आ गया मुंबई शहर के एक और हिडन जेम में आकर, और ये वाकई ये जेम गौरव ने ऐसी जगह पर छुपा के रखा है ना, लेकिन आप लोग ढूंढ ढूंढ कर आइएगा, है ना, लिंक देख लीजिएगा, एड्रेस देख लीजिएगा, और सो सिंधी में आकर इतना स्वादिष्ट खाना मिलेगा ना आपको कि मैं आपको क्या बताऊं। और वो इस आदमी की वजह से, इस जेंटलमैन की वजह से जिसका नाम है गौरव। आइए इनसे मिलिए, इनसे बातचीत करिए, बड़े प्यार से बड़ी वॉर्म के साथ आपको सिंधी खाना खिलाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपके सारे ब्लॉग्स, हमारे सारे ब्लॉग्स वो आपके ही हैं, जैसे ही आए आपको देखने के लिए मिल जाए। तो ठीक है, आज का ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगले ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सब खाइए पीजिए ऐश कीजिए। धन्यवाद। ओके गौरव, थैंक यू सो मच संजीव, सी यू सून। यस थैंक यू, बाय बाय।